अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैंक ऑफ खैबर को मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स चाहिए। मैं अपने बहन भाइयों अपने बच्चों से हमेशा ये रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि अगर आप लोग फ्रेश हैं और पहले आप लोगों ने जॉब नहीं की तो आप लोग सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर एमटी हो जाएं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जाएं आप लोग। तो वहाँ पर आप लोगों को एक तो ट्रेनिंग दी जाएगी, दूसरा आप लोगों को सैलरी भी दी जाएगी, थर्ड आप लोग अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं और किसी और कंपनी में भी मूव कर सकते हैं। आप अगर किसी भी जगह पे आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सपीरियंस क्या है। जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपके सीवी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सीवी पे लिखने के लिए आप लोगों के पास डाटा होना चाहिए, आप लोगों का सीवी इफेक्टिव होना चाहिए ताकि जो एचआर मैनेजर आपको हायर कर रहा है, जो आपका इंटरव्यू कॉल कर रहा है आपको, वो आपके सीवी से इम्प्रेस भी हो। तो ये जो ट्रेनी ऑफिसर्स बैच मुख्तलिफ बैंकों में आते हैं, ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है टू ग्रो योर फ्यूचर। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन है, कॉमर्स बिजनेस ई कॉमर्स, और इसके अलावा बाकी रेलिवेंट जो क्वालिफिकेशन वो भी चल जाएंगे। 60% मार्क्स होने चाहिए HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें मेल के लिए 26 ईयर है, फीमेल के लिए 29 ईयर है। अप्लाई करने का तरीका, NTS पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है, 460 रुपये का चलान भरना है, और बाकी मैक्सिमम मेरे बहन भाई बच्चे जो है वो जानते ही होते हैं कि NTS पे अप्लाई कैसे करना है। ये पेमेंट करने के लिए यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को चलान मिल जाएगा, उसको फिल करके आप लोग पेमेंट करने के बाद यही जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट पे चले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए आप लोगों को अक्सर पहले भी कई वीडियोस में मैंने डिटेल के साथ बताया है कि यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन करना है सिंपली। अगर आप लोग पहले, अक्सर मेरे बच्चों को वो ये इशू आता है कि वो कहते हैं कि हमने पहले यहाँ पे ईमेल आईडी बनाया था लेकिन अब हम भूल चुके हैं, वो उसका पासवर्ड नहीं पता। कोई बात नहीं, आप अपने उसी एग्जिस्टिंग CNIC से दोबारा अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, यहाँ पे साइन अप करें। अगर आप लोगों का पहले बना हुआ तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लें अपने एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी से, अपने एग्जिस्टिंग CNIC से और ईमेल आईडी से आप लोग दोबारा अपना यहाँ पे लॉगिन बना सकते हैं। बनाने के बाद तीन तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, पर्सनल क्वालिफिकेशंस और जॉब एक्सपीरियंस। अप्लाई करने का अप्लाई आप लोगों ने सिंपली करना है, NTS का टेस्ट होगा और जो सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे इसके अंदर बैंक ऑफ खैबर के अंदर MT ऑफिसर्स की जॉब दी जाएंगी। इसके अलावा भी बैंक ऑफ खैबर के अंदर और जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये अगर मैं ये लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग ये जॉब भी देखना चाहें, अगर आप लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच मैनेजर चाहिए और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर चाहिए, क्रेडिट एनालिस्ट चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर कन्वेंशनल के लिए और इस्लामिक के लिए चाहिए, ब्रांच सर्विस ऑफिसर्स चाहिए और ऑफिसर रिमिटेंस डिपार्टमेंट चाहिए, ये भी जॉब्स अवेलेबल हैं बैंक ऑफ खैबर के अंदर। जहाँ जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता है, जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप लोग ये जो प्लस का साइन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ये आप लोगों के सामने सारी इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, क्वालिफिकेशंस वगैरह भी ओपन हो जाएंगी। एक्सपीरियंस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ कर बना रहा हूँ और हमारा ऑफिस का सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो कुछ साइट्स को ओपन नहीं करने देता, आप लोग यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ फौरन आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग उस पर अप्लाई कर सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट।